सो गाइस, आज का तो भाई घर में बहुत काम है और आज भी इंगेजमेंट है, तो अभी मैं मिलवाती हूँ कौन कौन आ चुका है घर पे। मम्मी यहाँ पे काम कर रही है थोड़ा सा किचन का, और मम्मी खुश क्योंकि मम्मी की बहन आ चुकी है, मौसी आ चुकी है, और एकता दीदी, और दीक्षा दीदी, और साथ में आया है शुभू जो कि बहुत शर्माता है मेरे से। कोई बात नहीं, धीरे धीरे मिक्सअप हो जाएगा, और आजकल बच्चे उन्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ फोन चाहिए। तो अभी और भी लोग आएंगे, आज शायद बुआ और आए, बाकी इंगेजमेंट तो है ही। तो बस अभी इन लोगों का नाश्ता तो हो गया, मेरा नहीं हुआ है, लेट हो गया। तो तू और मैं साथ में करेंगे, ठीक है? अभी तक मैंने नहाया भी नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं पहले एडिटिंग कर रही थी, इस चक्कर में बिजी थी। अब हम आपको मिलते हैं नाश्ते के साथ। गाइस चलो, हम दोनों का ब्रेकफास्ट हो, आपके में गाली लिखी है, हाँ कोई बात नहीं, खाना एंजॉय। गाइस चलो, हम दोनों का ब्रेकफास्ट हो, आपके में गाली लिखी है, हाँ कोई बात नहीं, खाना एंजॉय। सो गाइस, अभी 4 बज रहे हैं और मम्मी और मैं पहले रेडी होने जा रहे हैं अर्शिका से, क्योंकि मम्मी का थोड़ा पूजा वगैरह का टाइम है, इसलिए हम दोनों पहले रेडी होने जा रहे हैं। एंड गुड्डू पाई क्यूटी घर पे है, ठीक है? सो गाइस, अभी मम्मी और मैं रेडी होने आ गए, मम्मी घूमने जा रही है बेड पर आराम से। पता है मम्मी फर्स्ट टाइम करा रही है ऐसे में, तो मम्मी अपनी शादी पे भी नहीं हुई नहीं कि कोई और हमें टच करे। तो अभी मम्मी का स्टार्ट कर रहे हैं, पहले मेरे हेयर हो रहे हैं, मम्मी का मेकअप स्टार्ट होता है, अभी भी अच्छे लग रहे वैसे तो। सो गाइस, मम्मी रेडी हो चुके हैं, मम्मी जा रही है अभी, मैं प्रॉपर तो आपको वहीं पे दिखा दूंगी। और ये आई, अब ये इसको छोड़ के यूवी, यूवी भी रेडी है, मैं अभी अपना लुक नहीं दिखा रही आपको, मैं हाफ रेडी। बाय बाय बाय। और इसके बाद अर्शिका आ गई थी मेकअप कराने, इसका मेकअप स्टार्ट हुआ और हम लोगों से थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ क्योंकि इसकी ऑब्वियसली एंट्री भी ना थोड़ी सी लेट होनी थी। एंड मेरा मेकअप डन हो चुका था, बस हेयर्स रहते थे, एंड मैं तो बहुत खुश थी भाई अपने मेकअप से। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लग रहा है, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए थी, एंड मेरा मेकअप होने ही वाला मेरे था। दोस्त मिल चुके हैं मुझे, हाय कोमल, हर्षित हाय बोल दो, काम में ही लगा हुआ है। और ना मैं अपना पूरा लुक वहाँ जाके दिखाऊंगी, लिटरली जो लोग घर में शादी और व्लॉग करते हैं ना, सल्यूट है, मैं तो चल भी नहीं पा रही, चलते हैं फटाफट। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं, सब लोग हाय बोल दो। हेलो, हेलो व्यू, हेलो एवरीवन। मेरा बेटा भाई मन कर रहा है कि डांस परफॉर्मेंस कैंसिल कर दो क्योंकि मेरे से तो हो नहीं पाएगा, बट लेट्स सी हो जाएगा। इम्पोर्टेंस दी जा रही है थोड़ी थोड़ी, बाकी खुश हो रहा है कैसे, जैसे पैसे मिलेंगे इसे मिल जाए। अपने घर का कुछ होता है ना, इतना दिमाग खराब होता है ना भाई, हंसी आ रही है मुझे तो तब से। ये बच्ची तो इमोशनल कर रही है मुझे भी, पर लिटरली इतनी प्यारी लग रही है ना, ये बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है, पूरी डॉल की तरह। भाई दिखा भी दो, स्टेज पे दिखाएंगे, पर ये कसम से डॉल की तरह लग रही है पूरी प्यारी वाली। हाउस यू फीलिंग? अच्छा लग रहा है गाइस, मुझे तो ना अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, बहुत ऐसे ऊपर ऑकवर्ड सा लग रहा था
कि कैसे इंटरेक्ट करे किसी से, क्या ये तो देखो भाई आंसू पोछे जा रही, देखू कोई बात नहीं भाई चिल करो भाई, इधर देखो इधर ये देख तसुए बहा रही है भाई, बचपन से वैसे रहे हैं ना साथ में हम लोग। क्या हो गया, मेरी तो सगी बहन है, मैं खुश बेशरमी, मैं इसके लिए शादी में रोएगी भाई, मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ, किन जा रही है ये निकल रही है, नहीं नहीं मैं इसके लिए खुश हूँ। मैंने आज सुबह ही निकल के छोड़ दिया मम्मी, आपके है काजल है आप पे, अरे लगा रखा है मेरे, टीका लगा दो मम्मी इसके, ऐसे ऐसे अपना करके छल्ला है ना, लोएगा। अरे अभी बैकग्राउंड में कुछ मत ऐसा काजल लगा ही नहीं है, अरे बस वो उसके लिए थोड़ा नजर के लिए रिएक्शन तो दे दो बेटा, कैसी लग रही, बच्चा बहुत अच्छा लग रहा है, परी छोटी परी बड़ी परी पापा की परी, हाँ अच्छे तो मैं लाया था सदर से, मैं लाया था सदर से भाई, सही है ये भी जा दीदी ओ गाइस इट्स टाइम फॉर द एंट्री, और अब ब्राइडल एंट्री हो रही है। मैं यही सोच रही हूँ, अब तो एंगेजमेंट की एंट्री में इतनी नर्वसनेस थी, शादी का भी बस सब कुछ अच्छे अच्छे से हो जाए, सो एंजॉय द एंट्री। फर्स्ट कैमरामैन, सेकंड कैमरामैन कोमल को बताइयो, जो उसको हो रहा था वो हो रहा है मुझे, उसे आ गया रोना, कह रही जो तुझे हो रहा था, अबे पागल है क्या, खुश रह चिल कर, एकदम से मम्मी घबराहट नहीं होती। Oh,
आएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तेरी है अब तेरी है जिंदगी। मेरी बहन वहाँ से मुझे देख रही है शायद घूर के, नहीं उसका शूट चल रहा है अलग से। हाँ तो अभी हम लोग 8 तारीख को बहन की शादी है, 7 को है यार भैया। अच्छा। क्या हुआ? और हाँ अभी हम सबकी परफॉर्मेंस रहती है, अभी सब लोग चार्ज अप हो रहे हैं खाना वाना खा के, है ना भाई? कोई नहीं, खाना वाना खाते हैं सब लोग, खा रहे हैं। हेलो गाइस, परफॉर्मेंस के लिए रेडी? हाँ जी बिल्कुल, मैं तो भूली पड़ी पर कुछ तो कर ही दूंगी, खराब तो कर ही देंगे। तुम अपना करके आई हो जो प्रिपेयर, व्लॉग में ही मैं तो गाली गलौज करने लगी हूँ आजकल, करा है ना? डन, कोई नहीं उसके लिए दे दूंगी, बस फोन दे देना अंदर से, बैग को ले ले। गाइस इसने खाना भी नहीं खाया, शूट चले जा रहा है। सबसे प्यारा बेबी आया है गुड्डू, मेरी दीदी। हां नहीं, सबको अपना इंट्रोडक्शन दे दो। अब यार व्लॉग में आ रहा हूं, तो गाइस गुड्डू को आज व्लॉग लेते हुए शादी के, आप लोग देखो छोड़ दो, छोड़ दो, ये काफी बड़े एकत्रित हुए हैं यार, गुड्डू को देखने के लिए। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, कर लिया यहाँ पे गुड्डू, यहाँ पे गुड्डू एग्रेसिव हो चुका है थोड़ा सा, यहाँ पे गुड्डू कैमरा, यहाँ पे यहाँ आदित्य सक्सेना। किसी के घर जाने का मन ही नहीं हो रहा है, सब लोग कितने 2 बज गए ना, टाइम देखो गाइस, टाइम 1:30 कोई जा ही नहीं रहा, जाएंगे के मार के निकाले, वो जरा सबर करो, जाएंगे टाइम लिमिट कर देगा हमारे चक्कर में लोग, तो अब बस घर जा रहे हैं हम, और बहुत ज्यादा थक गए डांस करके, अब मजा आ गया। पहले कहाँ फंसे, अब कोई और भी अंदर शोर मचाना, ठीक है? जब ही बंद हो जाएगा, एक जब हम बोलेंगे 3 उसके बाद बंद कर देंगे। 1 2 3 अब करेगी तो अपना फ्लोर ही है, तो मचाना ही पड़ेगा, उधर से आप नीचे जाना ना, और नीचे जाने गाइस हम लोग अभी, यार ये को क्या है, हाँ सम्राट आता जैसे देखा, जो इसके अगर ससुराल से व्लॉग देख रहे हो ये इसकी सच्चाई है। चलो गाइस अभी सब लोग बैठे हैं, इन लोगों ने तो चेंज नहीं किया, मैंने तो चेंज कर लिया, मेकअप रिमूव कर दिया, और अभी मेरे बालों में से इतनी सारी पिंस निकली और ये सब भी निकला, थक गए बस भाई, स्ट्रगल है देख लो कितनी चीजें लगी हुई है, दर्द कितना हुआ होगा ये लगने में, है ना? अभी तो भाई तोते ये देखो कितनी पिंस निकली है, अभी और है अभी तो अंदर एक पूरा छोटा सा पहाड़ है कूड़े का, पिन का पहाड़ किसी को चाहिए। लैशेस तो हटा लिया, उसको हटाने के बाद तो बहुत अच्छा लग रहा है, सही में मैंने भी वही हटाई सबसे पहले घर आते ही।